हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम चंद्रा एंड यू आर वाचिंग रंगवाल चंद्रा। तो आज बात करते हैं बीसीए के कुछ ऐसे ड्रॉबैक्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए अगर आप ऑलरेडी बीसीए करने की सोच रहे हो या बीसीए फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है अगर आप सेकंड ईयर में हो। पहला ड्रॉबैक ये है बीसीए का कि कभी भी आप अगर चेक करो ना, बीसीए के लिए बल्क हायरिंग नहीं आती है। बल्क हायरिंग इन द सेंस कि कंपनी हर ईयर बहुत सारी हायरिंग करती है, उसे मास हायरिंग बोलते हैं, जिसमें बीसीए एलिजिबिलिटी बहुत कम होती है। तो ये एक ड्रॉबैक है। आपको बीटेक दिख जाएगा, बीटेक को कोई भी ब्रांच से वो एक्सेप्ट कर लेता है, बट बीसीए को नहीं करते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक है और एक इसका रीजन आई डोंट नो एंड आई एम नॉट श्योर एक्चुअली कि क्या रीजन है, बट यस ये फैक्ट है। उसके लिए आपको कैसे फाइट करना है कि आपको वो वाली अपॉर्चुनिटीज देखनी है जहां आपको बीसीए एलिजिबिलिटी पे रखते हैं। दूसरा ड्रॉबैक बीसीए का ये है कि जिसका कोर्स है ऑलमोस्ट आपका बीटेक की तरह है, थोड़ा बहुत अप डाउन है, बट फिर भी बीसीए को प्रेफरेंस नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि बीसीए सिर्फ 3 साल का कोर्स है, बट यहाँ पे बीटेक 4 साल का कोर्स है। तो मे बी ये एक टाइम ड्यूरेशन के रिगार्डिंग जो यहाँ पे एक डिफरेंस आया है वो ये है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट भी बीसीए का यही है कि आप सेम जॉब कर सकते हो जो बीसीए वाला कर रहा है, और वो भी आपको सिर्फ 3 साल में अपनी डिग्री पूरी करनी है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव फैक्टर भी है। बट कभी आपको ये नहीं सोचना कि आपने 3 साल का बीसीए कर लिया और उसके बाद आप डायरेक्टली फाइट कर सकते हो कंपनीज में। क्यों? क्योंकि उससे पहले आपको चीज याद करनी पड़ेगी कि 3 साल की लाइक बीसीए की स्टडी में आपने कितना पढ़ा। देखो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो डेफिनेटली आपको मतलब कोई नहीं रोक सकता, प्लेसमेंट से या फिर नॉर्मल हायरिंग से मिल जाएगी, टेंशन कुछ नहीं है। तीसरी चीज जो मुझे नहीं पसंद है बीसीए की, वो ये कि इसका कोर्स ना अपडेटेड नहीं होता। मेरी कुमाऊं यूनिवर्सिटी थी तो इसका कोर्स काफी टाइम से सेम चीज चल रही थी, बट आज के टाइम पे जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, ये नहीं इन्वॉल्व है। बट आई गेस ये डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, तो मे बी आपका कोर्स अच्छा हो सकता है, उसका जो स्टडी मटेरियल वो अच्छा हो सकता है। फोर्थ चीज की बीसीए के बाद और बीटेक के बाद मोस्टली स्टूडेंट फाइट करते हैं कि उन्हें किसी भी टॉप एमएनसी कंपनी में जॉब मिल जाए, और ऑफकोर्स ये सबका ही एक लाइक ड्रीम है, तो वो पॉसिबल हो सकता है। बट उसमें डिफरेंस क्या है कि कब होगा, बीटेक में तो बहुत लोग ना हैकेथॉन वगैरह बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट बीसीए वालों का यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन थोड़ा सा कम देखा गया। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं होता, थोड़ा कम देखा गया है, तो उसको कवर अप करना पड़ेगा। उसके आपको सारे कॉम्पिटिशन से पार्टिसिपेट करना है। एंड अगर आप बिना तैयारी के ये सोचते हो कि 3 साल के बीसीए के बाद आप डायरेक्टली किसी एमएनसी कंपनी में बैठ जाओगे इंटरव्यू देने और आप क्रैक कर लोगे, तो थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, मींस वो नहीं हो पाएगा। रीजन सिंपल है, जब हमने पढ़ाई नहीं की है तो हम उसको नहीं लाइक कवर अप कर सकते हैं, फाइट बैक नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए पहले से अपनी अप्रोच बना के रखो कि आपको किस कंपनी को टारगेट करना है, उनका टेस्ट पैटर्न कैसा है। हाँ, एक चीज जो हम पढ़ते हैं और एक्चुअली जो वहाँ टेस्ट में आता है वो बहुत डिफरेंट होता है, क्वेश्चन का लेवल भी डिफरेंट होता है और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी डिफरेंट होता है। तो थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है कि हमने चीज पढ़ी नहीं है, नहीं है, बट होती चीज सेम है। अब ये चीज आपको कैसे पता चलेंगी कि एग्जैक्टली क्या टेस्ट पैटर्न है, कैसे आप अभी से तैयारी कर पाओ कॉम्पिटेटिव लेवल में बैठने की, तो हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग एन ऐप कॉल्ड नेक्स्ट लेवल ऐप, जो कि अनअकैडमी के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ है। पहला फीचर है ऐप का कि आपको कोई भी सर्टिफिकेशन ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आपकी स्किल्स मैटर करती है। फ्री में आपको साइनअप करना है, प्ले स्टोर में जाकर के आप कर सकते हो, एंड्रॉइड में एंड आईओएस में डेफिनेटली आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एक बार जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो, ऐप को डाउनलोड करने के बाद नीचे मैंने एक रेफर कोड दिया, आप उसे यूज कर सकते हो। एंड गाइज, स्क्रीन पे भी आप रेफर कोड देख सकते हो जो है BHA0198। अगर आप मेरा रेफर कोड यूज करते हैं तो आपको जल्दी एक्सेस मिलेगा और ताकि आप कॉम्पिटिशन में पार्ट कर पाए। तो इस ऐप का फीचर ये है कि ये आपको चांस देता है कि आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल की कोडिंग करो, पार्टिसिपेट करो, कम्प्लीट करो। जब आप कम्प्लीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्टडी लेवल कितना है और आपको कितनी ज्यादा जरूरत है और प्रैक्टिस करने की। दूसरी चीज, आप यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी कम्प्लीट कर सकते हो। यस, आप अपने दोस्तों को रेफर कर सकते हो, उन्हें अपना रेफर कोड दीजिए ताकि वो भी आके ज्वाइन करें और इस चीज का फायदा उठा पाए। एंड ऐप बिल्कुल फ्री है, आपको अभी कुछ भी पे नहीं करना है, और अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है तो यहाँ पे आपके पास अच्छा चांस है ताकि आपको एक्सेस जल्दी मिल पाए, ज्यादा आपको वेट ना करना पड़े। और कॉम्पिटिशन पे आप जितना पार्टिसिपेट करोगे उसके हिसाब से आपको एक रैंकिंग मिलेगी, स्कोर्स मिलेगा। और ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितनी अच्छी रैंकिंग और स्कोर होगा, जितना आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, उतना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको अपने रैंकिंग स्कोर के हिसाब से आप जॉब भी ले सकते हैं, इंटरव्यूज में सिट कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग, इसके आप अगर आईटी बैकग्राउंड से है नहीं है बट आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यहाँ से शुरू करो। देखो, ये ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप शुरू कर सकते हो और अंडरस्टैंड कर सकते हो कि एग्जैक्टली टेस्ट पैटर्न कैसा है और खुद के जो बेसिक्स है उसे स्ट्रांग कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप बेसिकली
मिनिमम टू मिनिमम 4 LPA तो आप क्रैक कर ही सकते हो, मैक्स टू मैक्स जितनी आपकी स्किल्स होती हैं। तो देखिए आप स्टडी भी कर पाएंगे, आपके स्किल्स बढ़ेंगी, आपका स्कोर लेवल अच्छा होगा, तो आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो देखो प्लेटफॉर्म हमारे पास है, फिर भी हम भागते हैं, हम बोलते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। नीचे रेफर कोड दिया है, लिंक दिया है, आपको कैसे डाउनलोड करना है वहां पे जाके डाउनलोड करो, अगली एप्लीकेंट बनो ताकि आपको वेट लिस्ट में ज्यादा भी वेट ना करना पड़े। पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे आपको रिवॉर्ड जीतने का भी मौका मिलता है, जो कि आप टॉप 3 रैंकर्स को यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, प्लस टॉप 25 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं। सो फर्स्ट रैंक को यहाँ पे मिलेगा मैकबुक एयर, सेकंड रैंक वाले को मिलेगा आईपैड मिनी, एंड थर्ड रैंक वाले को मिलेगा किंडले पेपर वाइट। सो यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, टॉप 3 के साथ साथ टॉप 25 को भी यहाँ पे सर्टिफिकेशन प्रोवाइड होगा, तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आप अब लॉन्ग टाइम तक क्लासेस कर सकते हो, लाइक 7 to 9 PM और मॉर्निंग 10 to 10 AM। तो यस, अब आपके पास जितना टाइम है अपना टाइम यहाँ पे लगा करके अपने स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। जो लास्ट एक मैं आपको इसका ड्रॉबैक बताने वाली हूँ बीसीए का, वो ये है कि बीसीए में बेसिकली ना हम लोग का नेक्स्ट स्टेप और जो हमारा मोटिवेशन होता है वो स्ट्रांग नहीं होता। जैसे बीसीए के बाद लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, एमसीए करना है या उन्हें एमबीए करना है या उनका बिजनेस है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका अपना बिजनेस होता है या वो एमबीए अप्रोच करता है, बट आपने देखा होगा बीटेक में ना एमटेक करने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, या तो कंपनी करा देती है, बट बीसीए में जरूरत है, आपको मास्टर्स करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेगी। तो यस, यहाँ पे आपको मास्टर्स करना जरूरी है, जरूरी नहीं कहूंगी बट इम्पॉर्टेंट है, बट बीटेक में नहीं है। बीटेक में अगर आप एमटेक नहीं करते हो तो भी चलता है, अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। बट ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे बीसीए लेवल टू लेवल कम्पीट कर रहा है बीटेक से, तो बीसीए कहीं कम नहीं है। बट ये चीज आपको याद रखनी है, तब तक जब तक बीसीए का लेवल बीटेक तक नहीं आ जाता है उसके बाद कोई टेंशन नहीं है, सारी चीजें इक्वली होने वाली है। तो तब तक के लिए बीसीए स्टूडेंट्स बी अवेयर, चीजों को तैयार करो। एक वीडियो और लेके आने वालों कि कौन कौन से सब्जेक्ट थोड़े से टफ हैं बीसीए में और कुछ कुछ बात इजी है, जिससे आप इजीली अपने लाइक परसेंटेज ऊपर बढ़ा सकते हो, क्योंकि कंपनी हमेशा आपके ओवरऑल परसेंटेज को देखता है कि आपकी कितनी परसेंटेज आपने अचीव की है। तो बी रेडी फॉर दिस एंड स्टे ट्यून विद माई चैनल। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीडियो में नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।